Now your supplementary number 4 to Sri Manohar Khattar. सर इन इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दें क्या इसके पास? सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन. थैंक यू सर. सर आपको अमिताभ का नाम मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा. राज्यसभा दे विच एक बार फिर तो नामां नूं लै के चर्चा छिड़ गई है, जिथे एक बार फिर तो सांसद जया बच्चन दे नाम नाल जया अमिताभ बच्चन जोड़िया गया. तो जया बच्चन ने एक बार फिर तो इत्थे एतराज जाहिर कर दिता. उन्होंने साफ साफ जगदीप धनखड़ नूं कहा है कि श्रीमान मैनूं आस है कि तुसी अमिताभ दा मतलब समझदे होवोगे. मैनूं अपने पति ते उन्हां दी प्राप्तियां ते मान है, पर तुसी सारिआं ने इह नवां नाटक शुरू कर दिता है. पहला इंज नहीं हुंदा सी. तो इतने जया बच्चन दे वलो सीधा सीधा इस एक नाटक करार दिता गया है कि ये जान बुझ के जो जया बच्चन की जगह ते जया अमिताभ बच्चन नाम लिया जा रहा है. जबकि इसके जवाब दे विच जगदीप धनखड़ ने भी साफ किया है कि जो चोन सर्टिफिकेट ते नाम दर्ज है उही बोलिया जा रहा है, ते जे उन्होंने कोई इतराज है तो अपना चाहन तो नाम बदलवा सकते ने. हालांकि इतने जो मनोहर लाल खट्टर का नाम पुकारिया गया तो फिर जया बच्चन ने भी बिना सोचे समझे कह दिता कि मनोहर लाल खट्टर के नाम नाल भी उन्हां दी पत्नी का नाम जोड़िया जाए, जिसनों लै के पूरे संसद दे विच हलसा गूंजन लग गया. क्योंकि दस दिए कि मनोहर लाल खट्टर हाले अणव्याहे ने, जिसते मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ जवाब दे दिता भी तां इस जन्म च मुमकिन नहीं है, इसलिए अगले जन्म च ही मुमकिन हो सकता है. सो इसे नूं लै के इत्थे विवाद छिड़िया, चर्चा हुई. तो इतने जगदीप धनखड़ के वालों भी यह किया गया है कि कई बार वो अपनी पत्नी का नाम अपने नाम नाल लगाते ने, पर जो भी जया बच्चन के नाम के नाल जया अमिताभ बच्चन जोड़िया जाता है तो फिर इतने विवाद शुरू हो जाता है, चर्चा छिड़ जाती है. जया बच्चन के वालों पहला भी एक बार इतराज़ जाहिर किया गया सी, तो हुण मुड़ तो जो उन्होंने नाम नाल उन्होंने पति अमिताभ बच्चन का नाम लग्या तो फिर तो उन्होंने एतराज़ जताया, जिथे बिना सोचे समझे उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के नाम नाल उन्हां दी पत्नी का नाम लैण का भी जिक्र कर दिता, जिसनों लैके पूरे संसद विच ए चर्चा छिड़ी रही. नाउ योर सप्लीमेंट्री नंबर 4 टू श्री मनोहर लाल खट्टर. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या इसके बाद? एक सेकंड बताऊं मैं आपको सर, ये सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट सर दिस इज इनकरेक्ट सर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट. सुनो सर, सर प्लीज प्लीज प्लीज. यस मैम. नीरज या तो आप बोल लो या मैं बोलूं. नहीं नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, और एक एक से नहीं नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, इस चीज का निर्णय मैं करता हूँ और मैंने आपको नाम से पुकारा था कि आप अपने सप्लीमेंट्री चार पूछ सकें. जी थैंक यू सर. एनीवे आई विल नॉट. और जहाँ तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े हैं, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है. देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है. अच्छा अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो. तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है, ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं, आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है. दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड. हाँ, नेशन इज प्राउड. हाँ जया जी प्लीज. सर सप्लीमेंट्री नंबर 4. सर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं. मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था. अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी था. मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे, मगर नहीं जा सकी. तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल्स स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे आप बता दीजिए. सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन.
थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। माननीय सदस्य गण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य नो सर आई एम वेरी प्राउड I am very proud of my name and my husband and his achievements. मैं आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I am very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. मेरा माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, please. माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Sri Manohar Lal Khattar.